अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल तबसम चैनल में खुश आमदीद। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे यूट्यूब की मोनेटाइजिंग पॉलिसी 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपने भी सुना होगा और मुझे भी पता चला है कि यूट्यूब कुछ अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है। जैसे कि पहले हम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो ही वाच आवर पूरे करते थे, हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। कि सुनने में आ रहा है कि 2021 में यूट्यूब जो है अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, जो कि 10,000 सब्सक्राइबर और 5,000 घंटे जो है वॉच टाइम पूरा करेगा उसका चैनल ही मोनेटाइज होगा। तो ये बात कहाँ तक सच है? तो फिलहाल तो इस चीज़ का कोई इम्कान नहीं फ्रेंड। ये आपको मैं बताता चलूँ कि अभी तक तो यूट्यूब ने ऑफिशियली या कोई भी इस तरह की कोई भी जो है अनाउंसमेंट नहीं की कि हम 2021 में कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो फ्रेंड हो भी सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से यूट्यूब अपनी पॉलिसी जो है मुसलसल चेंज कर रहा है। तो फ्रेंड पिछले कई सालों में हम देखें तो स्टार्टिंग में जब भी हमने चैनल बनाया तो हमने पहली वीडियो जो है स्टार्टिंग में डाली तो उस पर ऐड आना शुरू हो जाते थे। फिर बाद में यूट्यूब ने एक और पॉलिसी जो है अपनी चेंज कर दी थी कि आप अगर अपने चैनल पे 10,000 व्यूज़ लेके आते हैं तो वो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो जब ये काम जो है वो लोग जल्दी जल्दी करने लग गए तो उन्होंने देखा कि यार मोनेटाइजिंग के लिए तो बहुत सारे जो है वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर पॉलिसी चेंज कर दी। फिर पॉलिसी चेंज कर दिया। पॉलिसी क्या है? 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे। अब वो देख रहे हैं कि इस रेशो से भी कितने लोग हमारे जो है वो मोनेटाइजिंग जो है पार्टनर प्रोग्राम में एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे ही ये उनकी तादाद या उनके हिसाब से ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो लाजमी है कि वो पॉलिसी तो लाजमी चेंज करेंगे। जो ही पॉलिसी चेंज होगी तो जो इस रिक्वायरमेंट के से पूरे नहीं होंगे उनके लाजमी है चैनल डीमोनेटाइज कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी मैं सुनने में आ रहा है कि जिन दोस्तों के 2021 में अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है कि अगर आपके चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर और 5,000 घंटे पूरे नहीं है तो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। ये तो बहुत अफसोस वाली बात है यार, लेकिन हकीकत यही है कि ये ऐसा ही होने वाला है। मैंने खुद सर्च भी किया है अगर उनकी पॉलिसी चेंज हुई तो। लेकिन फिलहाल इस चीज़ का कोई इम्कान नहीं है। अभी आप तसल्ली से काम करें, अपना अल्लाह खैर करेगा, आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होता है। तो फ्रेंड अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार भाई अब अपना जो है अभी जल्दी जल्दी जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो है वो बाय कर ले, क्योंकि वो टाइम थोड़ा है तो वो नहीं कर सकते, मतलब ये कि पूरे नहीं हो सकते। तो 2021 तो आने वाला है, चंद दिनों बाद 2021 शुरू हो जाएगा, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? तो मेरा मशवरा यही कि अभी इंतज़ार करें, क्योंकि अभी तक की YouTube की बाज़ाबता कोई भी इस तरह के अनाउंसमेंट या कोई प्रेस रिलीज या कोई भी शेयरिंग नहीं की गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरी जो है वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपके इलम में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा कि 2021 में YouTube की कौन कौन सी पॉलिसी जो है आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी टिप या न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की और ब्रेकिंग न्यूज़ और कैन मास्टर के ट्यूटोरियल और इंट्रो बनाने के ट्यूटोरियल और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।